वो आई थिंक पहले नहीं मुतमिन थी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, वो भी आई थिंक वो भी लड़की हैं और वो कैसे इस तरह कर सकती हैं मेरे साथ, और उन्हें मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए थी पुलिस स्टेशन के बाहर आके, मैं शायद उन्हें माफ़ कर देती और ये पर्चा खारिज भी ना कराती, मैं यहाँ से वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उन लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और वो लोग उल्टा मुझे कह, मुझे वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगे। ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं हो सकता, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इस मुल्क से इंसाफ लेके रहूंगी। आप 506B का मुतालबा कर रही हैं, आपका मुतालबा सुना नहीं जा रहा, आप अभी आप यहाँ पे बाहर खड़ी हैं, आप घर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कोई क्या नेक्स्ट क्या आपका लाइहा मल हुआ? 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं कभी मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। 5 दिन हो गए मैं होश में ही नहीं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है, इतना जुल्म, और फिर ऊपर से और ज्यादा उस तरह की वीडियोस वायरल कर रही हैं ये खवातीन के, इन्हें इनके अंदर दिल है ही नहीं मुझे लग रहा। आप कोर्ट में जा रही हैं या विड्रॉ कर रही हैं? मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं एंड तक जाऊंगी। आपके जो लॉयर हैं आपके साथ, उनके साथ क्या मशावरत हुई अब तक FIR के ऊपर? जितने मेरे लोग और मेरा जो लॉयर मेरे साथ है उसे मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से हम लोग ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर, कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, और एंड तक वो इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोई और होता तो पता नहीं वो चला जाता, लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी, इस पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वाहिद मेरे लॉयर। एक जो क्वेश्चन है जो सर्टेनली अभी हमारी बातचीत हुई है मलिक राज साहब की साइड से जो लॉयर थे उनके, उनका ये कहना है कि जो लोग आपके घर के अंदर आए हैं उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जो जैसे आप बता रही हैं, उनके मुताबिक कोई उनके पास असलहा भी नहीं था, आप उसका भी जिक्र कर रही हैं। साफ नजर आ रहा है असला, उनके पास असला नहीं था, जिस तरह से वो औरतें गालियां दे रही हैं, असला उन्होंने हमारे पर ताने उठा उठा के, गार्ड्स मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, शायद आपने वीडियो नहीं देखी, आप दोबारा वीडियो देखें, उसमें गौर से देखें कि गार्ड मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और सारी औरतों ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ। मैं करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर, हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वेमेन, देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है, इस हालत में पकड़ता कोई भी एक्शन लेता। आई जस्ट वॉन्ट